सर, मैं गौतम कुमार बिहार का रहने वाला हूँ। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह मैं सफल रहा। परीक्षा, दौड़, मेडिकल, ये सारी चीज में मैं सफल रहा। सर, मेरा नंबर कट ऑफ से मात्र 1.5 नंबर ज़्यादा है। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया में जितने भी हमारे भाई बहन मेडिकल फिट हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग कराया जाए, क्योंकि सर, मुझे बचपन से ही सेना में जाने का सपना था और मैं 16 साल से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। 17.5 साल से सर मैं आर्मी में 3 बार दौड़ने के लिए गया था। 2 बार मैं फिट भी हुआ, लेकिन सर आर्मी में 2 बार मेरिट में अनफिट हो गया। और 2015 का वैकेंसी एसएससी जीडी का था, उसमें भी कट ऑफ से मेरा मात्र 4 नंबर ज़्यादा था। इसके बावजूद सर मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। सर, मेरा एज अब अगली बहाली में सर हम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सर मैं पूरा लगन के साथ पढ़ता हूँ। सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मजदूरी करके सर खुद से पढ़ता हूँ। सर, बचपन से सेना में जाने का हौसला था, 2 बार आर्मी में मेरिट में अनफिट हुआ, 1 बार अर्धसैनिक बल 2015 वाले वैकेंसी में मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया, और इस बार सर 4था चांस है। सर, मोदी जी से अनुरोध है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं एसएससी जीडी 2018 की बात कर रहा हूँ, जो करीब 3 साल होने जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बार जितने मेडिकल फिट हुए हैं लड़का, सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। लाखों सीट खाली पड़ी है, इस पर आप लोग विचार करिए। अब लड़का छंटेगा, मेरिट से बाहर जाएगा तो क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा या कुछ और गलत काम कर सकता है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत सरकार इस पर ध्यान दे और सभी लड़कों को ज्वाइनिंग दे, जल्दी दे। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जिला नालंदा है। 2015 में भी मेरा रिटेन फिजिकल और मेडिकल हो चुका था, लेकिन कम नंबर रहने के बावजूद मेरा मेरिट नहीं बना। 2018 में भी मेरा रिटेन फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, इस बार देखते हैं क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन यही है कि एसएससी जीडी में सीट इंक्रीज करें, ताकि इस बार मुझे और मेरे जैसे कईयों भाइयों और बहनों को मौका मिल सके। मैं असम से बिलोंग करता हूँ और 2018 के एसएससी जीडी में मैं भी एक मेडिकली फिट कैंडिडेट हूँ।
और मेरा मार्क मेडिकली कट ऑफ से पॉइंटों में कुछ ज़्यादा है, इसीलिए मेरिट से नाम छूटने का ज़्यादा मुझे डर लगता है। और मेरा एज भी ORS हो गया और दूसरी भर्ती में मुझे सांस भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2018 SSC GD में पोस्ट इंक्रीज करके हम सब युवाओं की टेस्ट सेवा की एक चांस लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं सज्जन कुमार जनरल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ, मेरा कटअप से मात्र 5 नंबर ज़्यादा है और मुझे फाइनल मेरिट को लेकर बहुत चिंता हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द सीट को इंक्रीज किया जाए और भर्ती जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं नीतीश कुमार साहू छत्तीसगढ़ से, मैं प्रधानमंत्री मोदी एंड SSC चीफ से निवेदन करता हूँ कि जितने भी मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति पत्र जारी करें, जो देश सेवा करने के लिए 3 साल तक वेट कर रहे अब और कितना वेट करें, हमारा यह लास्ट स्टेज है सर, प्लीज़ सर। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र है, मैं UP से हूँ, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, SSC GD में मेरा इतना ही नंबर है जितने पे मेरिट लगा है, मैं ग्राउंड फिट हूँ, मैंने फिजिकल भी किया है, अभी अगर जगह इंक्रीज हो जाएंगी इसमें तो सर नंबर आएगा, वरना हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं, और 2 साल भी बीत गए इसी भर्ती में, अभी 22 साल की एज में एक भर्ती देगा है, 2 साल इसमें गुजर गए, 24 साल हो गई, हम तो ओवरेज हो गए, अभी आगे भर्ती भी नहीं देख सकते, अभी क्या करेंगे, अभी ये 75,000 जगह आगे निकाल रहे हैं, उसका 15,000 लेके 11,000 वैसे जगह खाली हैं इंक्रीज पुरानी, तो टोटल 26-27,000 इनमें दे देना है, जिससे इन बच्चों का भविष्य सुधरे, क्यों आगे आने वालों के लिए तो और भी चांसेस हैं, UP पुलिस भी निकल आएगी, इंडियन आर्मी भी है, बहुत सारी जगह निकलेंगी, आगे 75,000 देने की बजाय 15,000 इसमें, 25,000 इसमें इंक्रीज कर दो, 11,000 वो, 15,000 वो, 26,000 जगह हो जाएंगी, 60,000 वो हैं तो कम से कम नंबर तो आ ही जाएगा, बेरोजगारी बहुत है सर, मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कितने दिक्कत से गुजर रहे हैं, एक नॉर्मल परिवार पे क्या बीतती है ये तो देखना चाहिए ना, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको ये बेरोजगारी पे देखना चाहिए, जब आप आगे जगह निकाल रहे हो तो पहले भी निकालनी चाहिए, 75,000 की बजाय शुरुआत में 11,000 और 15,000 करके 26,000 बढ़ जाएंगी तो सभी का नंबर आ जाएगा ना, वेटिंग लिस्ट भी टांगो, यूपी से यूपी पुलिस में जितने भी 14,000 लड़के गए हैं सभी का GD में नंबर है, अभी अगर वेटिंग लिस्ट न टंगी तो GD वालों के लिए कुछ भी नहीं, यूपी पुलिस वाले यूपी में चले जाएंगे तो वो जगह तो वैसे ही निकल जाएंगी ना, वेटिंग लिस्ट टंगेगी तो नंबर भी आएगा यूपी से।